तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, एक भाई का कमेंट आया था कि भाई 12 क्लास के विदाई समारोह कार्यक्रम आमंत्रण पत्र बनाओ। तो सबसे पहले दिल से लव यू ब्रो कमेंट करने के लिए। और आज का पोस्टर गाइस इसी के ऊपर है। तो अगर आप भी कुछ इस प्रकार का पोस्टर एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पीएलपी फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन से होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी जाता है उसको ढूंढ रहा है। तो मैं पिक्सल लैब में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विदाई समारोह स्कूल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस ओपन एंडेड पर क्लिक कर देना है। ओपन एंडेड पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो इस पर डबल टाइप करके, और गाइस और यहाँ पर दिनांक वाला ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस जिस तारीख को आपका विदाई समारोह कार्यक्रम होगा इस पर डबल टाइप करके आप यहाँ से डेट लिख सकते हो। और गाइस इसमें जो कुछ चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।